हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अफोर्डेबल टॉयस, यानी कि बहुत ही सस्ते वाले टॉयस। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला टॉय है ये एक इलेक्ट्रिक ग्लाइडर, यानी कि उड़ने वाला एरोप्लेन। तो दोस्तों, इसका प्राइस है 250 रुपीज। इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था। आप भी अगर इसे बाई करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हो। तो हमारा दूसरा वाला टॉय है ये है एक स्टीम बोट। तो दोस्तों, आज हम इससे एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। इसका प्राइस है 100 रुपीज। मैंने इसे भी अमेजोन से परचेस किया था। दोस्तों, आप अगर ये बोट को कोई अपने घर के पास टॉय स्टोर से खरीदोगे तो इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 50-60 रुपए में मिल जाएगी यार, क्योंकि इस तरह के टॉयज बहुत ही सस्ते होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हमारा ये वाला टॉय की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसे मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। तो ये प्लास्टिक कवर भी हटा देते हैं यहां से। ओ वाओ, तो ये सारे पार्ट्स में मिल जाती है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो इसे जोड़कर हमें एक एरोप्लेन बनानी होगी। तो पहले एरोप्लेन बना लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिलती है। इसे जोड़ना बहुत ही आसान होता है गाइस। ये फिन यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, देख सकते हो ऊपर वाला फिन लग चुका है यहाँ पर, और ये रहा नीचे वाला फिन। तो इसे भी लगा देंगे यहाँ पर जल्दी से इस तरह से। और ये रहा इसका टेल वाला विंग, इसे भी लगा देंगे यहाँ पर। देख सकते हो दोस्तों अभी कैसी दिख रही है हमारी प्लेन। तो इसके साथ थोड़े से क्लिप्स भी आ जाते हैं, इन क्लिप्स को भी जोड़ लेते हैं यहाँ पर। हाँ, इस तरह से ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा। तो ये जुड़ चुका है, देख सकते हो दोस्तों इस तरह से। तो इस तरफ का भी लगा देते हैं यहाँ पर। वाह यार, अब देख सकते हो क्या कमाल की दिख रही है अभी हमारी एरोप्लेन। वाह यार। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके साथ हमें कोई भी रिमोट कंट्रोल नहीं आता है। तो इसे किस तरह से उड़ाते हैं मैं भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना दोस्तों। अब देख सकते हो, इसे चार्ज करने के लिए हमें इस तरह का एक केबल भी मिल जाता है। आप चाहे तो यहां से चार्ज भी कर सकते हो इसे। तो इसे मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऑन ऑफ वाला स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे लगा है इसका प्रोपेलर, और यहाँ पे इसकी मोटर। तो इसे ऑन कर लेते हैं यहां से। वाओ, तो इस बटन को ही दबाने पर ये वापस से बंद भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये कंटिन्यूस 30 सेकंड्स तक चलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ये एरोप्लेन नीचे आकर गिर जाएगा। तो यार, इसका कॉन्सेप्ट बस सिंपल है, इसीलिए इसका प्राइस भी बहुत ही कम है दोस्तों। तो मैं इसे आपको बाहर भी उड़ाकर दिखाने वाला हूँ, देखते हैं ये एरोप्लेन कितनी अच्छी तरीके से उड़ पाता है। तो हमारा नेक्स्ट वाला टॉय देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट वाला टॉय, आज हम इसे एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। तो इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो इसे किस तरह से चलाना है यहाँ पर आपको देख सकते हो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसे पढ़ते हुए आपको इसे चलाना होगा। तो ये भी दिखा देता हूं मैं आपको करीब से। वाह यार, इसमें आप लगता है ये वैक्स है, यहां पर कैंडल है, ये सारा मेटल का बना हुआ है गाइस, आप देख सकते हो टूटेगा नहीं आराम से। यहां पर एक ड्राइंग की हुई है इन लोगों ने, यहां पर है टाइगर, और नीचे देख सकते हो आप कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर। इसे भी निकाल लेते हैं बाहर, लगता है ये कोई ड्रॉपर लग रहा है यार। हाँ, एक ड्रॉपर है। तो आपको करना क्या है गाइस, सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट है ये भी,
स्टीम बोट, यानी इसमें यहाँ पर आपको आग लगानी होगी, इसे यहाँ पर इस तरह से रख देना होगा और ये स्टीम जनरेट होगी इसके अंदर पाइप में और ये पानी पर आराम से चलने लगेगी विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी पावर, ये सिर्फ स्टीम से ही चलती है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, हमारे चैनल पर जो भी अच्छे कमेंट्स करते हैं और हमारी वीडियोज़ पर लाइक करते हैं उन्हें देते हैं हम शॉर्ट आउट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कल वाली वीडियो पर किसने किसने लाइक्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, उन्हें दे देंगे शॉर्ट आउट। उसके बाद में इन दोनों चीज़ों को मैं आपको चला के भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पर लाइक जरूर से करना। आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन भी दबा देना। तो चलिए दोस्तों अभी देंगे शाउट आउट। ये थी दोस्तों हमारी लास्ट वाली वीडियो मनी सेंस। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने वंडर बॉक्स मनी सेंस 4-in-1 DIY एक्टिविटी किट को मैंने इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग किया था। यहाँ पे आप लोगों ने किए हैं 2.3K लाइक्स, थैंक यू यार इतने ढेर सारे लाइक्स करने के लिए। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो पर जरूर से 8000 लाइक्स तक कीजिए और नीचे ढेर सारे कमेंट्स करते रहिए। तो यहाँ पे हमें मिले हैं 858 कमेंट्स। वाह भाई यार मजा आ गया, देख सकते हो दोस्तों कितने ढेर सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के यहाँ पर। वाह यार मजा आ गया एकदम आपके सारे कमेंट्स पढ़कर। देख सकते हो दोस्तों सारे कमेंट्स पर मैंने हार्ट भी दिए हुए हैं सभी को। तो थैंक यू दोस्तों इतने ढेर सारे कमेंट्स करने के लिए आप लोगों का। तो इन सारे कमेंट्स में से मैंने चूज किए हैं दोस्तों 41 लोगों के नाम। तो इनके नाम अभी मैं लेने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे जिसने भी किए हैं कमेंट सभी को शाउट आउट, और जिसने भी किए हैं लाइक्स सभी को शाउट आउट और सभी को थैंक यू। तो यहाँ पे पहला नाम आ जाता है टेक्निकल्स जॉन, अथर्व पाटिल, बाबूराव मागर, आयुष जैन, शिवांश पांडे, परमानंद तिवारी, उद्धव अग्रवाल, आर्यन, मोहम्मद अयाज, राकेश, नीलम शर्मा, सिद्धि भोस्कर, मोइनुद्दीन खान, शेख परवाज, रेणु देवी, नीलेश ताइडे, अंशु कुमार, सौम्यजीत लाहिरी, रुद्रजीत घोष, श्रेयम दास गुप्ता, तन्वीश पवन, अनिमेश त्रिपाठी, उमंग प्रसाद, तुषार रॉय, अनिल मानिकपुरी, सैकात खमरू, तन्मय गोवारी, शरियर जमान, रुद्राक्ष, श्रेयस देशमाने, विशाल गुप्ता, जहनारा शेख, अतुल गोपाले, इशिका, गौरी धवले, नेत्रा, स्मृति काजल, सोमा दत्ता, भारती कोहली, साहिना खान, मनोज शर्मा। तो थैंक यू दोस्तों इतने ढेर सारे कमेंट्स करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आप लोगों का। तो दोस्तों आप भी चाहते हो मैं लूँ आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में तो यार ज़रूर से इस वाली वीडियो पर कर देना ढेर सारे लाइक्स और नीचे कर देना ढेर सारे कमेंट्स, मैं आपका नाम ज़रूर से लूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों पहले ये वाली एरोप्लेन को टेस्ट करके देख लेते हैं ये किस तरह से काम करती है, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये देख सकते हो ये रही बोट और यहाँ पे आपको दो पाइप्स दिख रहे होंगे। इस ड्रॉपर से एक पाइप के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है आपको, देख सकते हो मैं यहाँ पे एक पाइप के अंदर पानी डाल रहा हूँ इस तरह से। तो दोस्तों अभी हम इस टब के अंदर ये चला के दिखाएंगे, देखते हैं ये बोट किस तरह से काम करती है।
फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा अंदर अभी आग जल रही है, मैंने अभी इसमें आग लगाई है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। देख सकते हो फ्रेंड्स किस तरह की आवाज आ रही है इसके अंदर, मोटर बोट चल रही हो जैसे। जब तक इसके अंदर आग जलती रहेगी ये बोट काम करते रहेगी। तो यार इसके अंदर अगर कैंडल खत्म हो जाती है तो वापस से आप इसके अंदर कोई ऑयल डाल सकते हो, दिए के अंदर जो ऑयल जलता है वो ऑयल भी डालकर आप इसके अंदर रख दोगे और इसके अंदर आग लगा दोगे तो ये आराम से चलने लगेगी। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा यार, मैंने इसे उड़ाने के लिए बहुत ट्राई किया है लेकिन ये उड़ी नहीं रही थी, एकदम घटिया किस्म की चीज़ है। गाइस आप इसे बिल्कुल भी परचेस मत करना, क्योंकि गाइस इसका प्राइस कम था, मैंने इसीलिए इसे परचेस किया था। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा उड़ाने की कोशिश की है गाइस, पर यह प्रॉपरली उड़ी नहीं पा रही थी। पर यार यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्रोपेलर ही सिर्फ अच्छी तरीके से घूमता है। और दोस्तों इस वाले बोट के साथ तो दोस्तों मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा खेला है, तो इसका प्राइस बहुत ही कम था गाइस, इसलिए मैंने परचेस करके आपको दिखाया है कि स्टीम बोट किस तरह से काम करती है। तो यार ये आप ऑब्वियसली खरीद सकते हो और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई बैटरी डालनी नहीं पड़ेगी, आराम से चल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज़ के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।